ऑफ वडोदरा। भगवान महावीर स्वामीना जन्म कल्याणक महोत्सव निमित्ते मेवाड़ संघ वडोदरा द्वारा रक्तदान शिबिर नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आज रोज भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव निमित्ते मेवाड़ संघ वडोदरा द्वारा भगवान महावीरना जीवन पर आचार्य महाश्रमण ने सुशिष्या समणी निर्मल प्रज्ञाजी अने समणी हंस प्रज्ञाजी द्वारा व्याख्यान आपवामां आव्युं। बाळको द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आव्युं अने तेनी साथे भगवान महावीर स्वामी द्वारा आपवामां आवेल जियो और जीने दोना सूत्रने साकार करता समाजना युवाओ द्वारा इंदु ब्लड बैंकना संयुक्तथी रक्तदान कैम्प राखवामां आव्यो हतो। कानम पटेल वाड़ी आरवी देसाई रोड खाते आ आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां मोटी संख्यामां समाजना लोको साथे महिलाओए पण रक्तदान कर्युं हतुं। आ कार्यक्रम में मेवाड़ जैन संघना वडोदराना प्रमुख शांतिलाल बोलिया, मंत्री कोमल देसरला, तेमनी कार्यकारी टीम अने मेवाड़ जैन समाजना सभ्यों मोटी संख्या में उपस्थित रहा था। आज बड़ौदा के मेवाड़ जैन संघ द्वारा भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाई जा रही है। ये जन्म कल्याणक हर मनुष्य को प्रेरणा देता है कि भगवान महावीर की जीवन शैली के अनुरूप हमारे जीवन में आचार विचार एवं व्यवहार का परिष्कार हो, हमारी सोच की गरीबी, विवेक का अकाल एवं आचरण का अभाव कैसे दूर हो सकता है। तो यह लोकोत्तर प्रेरणा भगवान महावीर की आगम वाणी में दी गई कि हम तप एवं संयम में पराक्रम करके भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाने का प्रयास करें और इस जन्म जयंती को और अधिक सक्षम बनाने के लिए युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी शीघ्र 7 अप्रैल को नक्षत्र में पधार रहे हैं और उन महापुरुषों के द्वारा हमें और अधिक प्रेरणा मिलेगी और हमारा जीवन बदलेगा। और लौकिक दृष्टि से लोगों ने ब्लड कैंप रख कर भी मेवाड़ जैन संघ के जैन संघ बड़ौदा द्वारा हर साल की भांति महावीर जयंती का प्रोग्राम हम मनाते हैं। इसमें ब्लड कैंप हम रखते हैं, आज भी ब्लड कैंप रखा हुआ है और हमारे समाज के बच्चों महिलाओं के द्वारा एक सांस्कृतिक प्रोग्राम मनाते हैं, वो भी आज हम यहाँ मना रहे हैं। और आज हमारे को महाराज साहब का सानिध्य मिला है, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी की सुशिष्या निर्मल प्रज्ञा जी और हंस प्रज्ञा जी का सानिध्य मिला है। और क्या मैसेज देना चाहोगे समाज को? भगवान ने जो मैसेज दिया है जियो और जीने दो और अहिंसा के ऊपर हमारे भगवान का जो संदेश है उसी को हम फैलाते हैं।